ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म। ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है, हार्ट की जो मूवमेंट, उस मूवमेंट को किस वेवफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह रिप्रेजेंटेशन ही ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म है। यह वेवफॉर्म अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो पॉजिटिव वेव के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और ब्लड प्रेशर अगर डाउन होता है तो वह नेगेटिव वेव के रूप में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेव्स दो रिप्रेजेंटेशन जो हैं, वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये जुगुलर वीनस पल्स है, ये जुगुलर वीनस पल्स एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव वेव का कॉम्बिनेशन है। इसको हम अगर टाइप्स में डिवाइड करें तो तीन कैटेगरीज हैं, ए सी बी, और इसको नेगेटिव वेव को एक्स वाई में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उसको समझने से पहले ये देखो कि हार्ट के अंदर किस तरीके से हार्ट के वाल्व्स फंक्शनिंग होती है। जब राइट आर्ट्रियम ब्लड से फिलअप रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है, तो उस समय एट ए मोमेंट यह ट्राइकेप्सिड वाल्व खुलता है। जैसे ही यह ट्राइकेप्सिड वाल्व खुलता है, उसके साथ ही राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो हो जाता है और यह भर जाता है। जब यह फिलअप हो जाता है तो उस समय आफ्टर सम टाइम ये इसके अंदर लगातार प्रेशर बढ़ता जाता है, और ये जो लगातार प्रेशर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जैसे ही ये वाल्व खुला, खुलने के साथ ही लगातार ये इसके अंदर ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड स्टोर हुआ, और जैसे जैसे इसमें ब्लड का फ्लो स्टोर हुआ तो वो एक पीक पॉइंट तक पहुंच जाता है। यह ए है, ए वेव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि यह इसका मैक्सिमम प्रेशर है जब ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो वो बंद होने और उस मोमेंटरली ये जो पल्मोनरी वाल्व है, इन दोनों वाल्व के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से होता है कि ये जब क्लोज होता है तो साइमल्टेनियसली एट ए मोमेंट यह है ओपन नहीं होता। इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा थोड़ा सा समय लगता है। अब वो जो वाल्व इसके अंदर फ्लो हो जाता है, फ्लो होने के कारण से ये प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो जब प्रेशर बढ़ा तो उस समय प्रेशर बढ़ने के कारण से यह एक वाल्व यह राइज वेव के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। यह राइज वेव के रूप में रिप्रेजेंट हुआ तो उसको जब जैसे ही क्लोज हुआ तो उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फिलअप हुआ, और वह जो प्रेशर कम होता है वह एक्स वेव के रूप में जाना जाता है। ये एक्स वेव जस्ट उसके अंदर जो प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट। लेकिन जैसे ही ये क्लोज होता है, ये ओपन होने के बीच में जो थोड़ा सा समय लगता है, उस समय इसके अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, हल्का सा एट ए मोमेंट बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ता है वह प्रेशर यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ा सा एकदम से बढ़ा। जैसे ही यह प्रेशर बढ़ता है उस समय ये जो इसके अंदर बेसिकली यह डाइक्रोटिक नोच के रूप में जाना जाता है, ये डाइक्रोटिक नोच हुआ जिसमें कि एक छोटा सा पल्स के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। ये पल्स के रूप में जब रिप्रेजेंट हुआ तो उस समय ये ओपन होता है, और ओपन होने के साथ ही ब्लड का फ्लो इस पल्मोनरी वेव के अंदर से, पल्मोनरी जो आर्टरीज है उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। जब ये होता है तो इसके अंदर वेकेट खाली होता है, धीरे धीरे ये जब खाली होता है उस समय ये लगातार प्रेशर डाउन होता है, ये एक्स डैश के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो नेगेटिव वेव है उसके दो पार्ट, एक्स और एक्स डैश, ये दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। ये अब आप देखो वीटी एंड वीपी दोनों जब क्लोज होते हैं तो वो ये मोमेंट जब होता है तो उस समय का मोमेंट डाइक्रोटिक नोच कहलाता है, और उसके बाद जो प्रेशर डाउन हुआ वह लगातार एक्स डैश के रूप में वेव के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। ये जो प्रेशर डाउन हुआ तो उसके साइमल्टेनियसली क्या होता है कि यह एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट जिसके अंदर जाकर के वह प्रेशर रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद में यहां इसका कंट्रैक्शन बंद हो जाता है। कंट्रैक्शन बंद हुआ तो उस साइमल्टेनियसली ये जो इंफीरियर वेना केव है या फिर सुपीरियर वेना केव है, इनके माध्यम से ब्लड, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम के अंदर का इसके अंदर चला जाता है। जैसे इसमें आता है उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रेशर वापस बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो
इसको हम ये कहें कि ये फीलिंग, इसके अंदर फीलिंग हो रहा है और डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये फीलिंग होता है तो उस समय ये वीनस फीलिंग कहलाता है। और वीनस फीलिंग्स उसके बाद में जैसे ही उसके बाद ये अगेन जैसे ओपन होता है उसका पूरा का पूरा ये वेकेट हो, खाली हो जाता है और इसको हम राइट आर्ट्रियम को एक प्रकार से कंप्लीटली एम्प्टी होने तक जो प्रेजेंटेशन है वो ये वाई रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वेव जो पॉजिटिव अर्थात जो इसका जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट जिसमें कि प्रेशर बढ़ता है, नेगेटिव पार्ट जिसमें प्रेशर रिलैक्स होता है, कम होता है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन करता हुआ, उसको दर्शाता हुआ यह वेव है जिसको हम ब्लड प्रेशर वेव के रूप में जानते हैं। यहां पे आप देखो जिस समय इन दोनों को क्लोज रहते हैं, ये एक मोमेंट है जिसे डाइक्रोटिक नॉच कहते हैं, उस समय ये जो एकदम से रुकता है वह जिस समय ये ट्रांसक्रिप्शन वाल्व बंद होता है उस समय पहले आवाज, हार्ट की आवाज हमें सुनाई देती है, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद में जैसे ही ये इस तरीके आता है तो वह डायस्टोलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और डायस्टोल कहलाता है। और जो दूसरा जो पोजिशन जिस समय की एक मिनिमम इसका प्रेशर को इंडिकेट करता है वह इंडिकेशंस इसको हम ये कहेंगे ये डायस्टोलिक प्रेशर है और ये सिस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनको हम अभी देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर सामान्यतया मैक्सिमम प्रेशर ऑफ दिस राइट आर्ट्रियम, इसका जो आर्ट्रियम जिसमें ये कह सकते हैं 120 Hg का मीन mm 120 mm Hg के इक्विवेलेंट पारे की 120 mm की वैल्यू के अनुसार इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और मिनिमम प्रेशर 80 mm Hg प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। तो इन दोनों को सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम मेजर भी कर सकते हैं और यह ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म है और इस वेवफॉर्म को हम अभी इस तरीके से और समझ सकते हैं जिसको हम ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म का जो दूसरा पार्ट उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ आप देखो कि ये जो ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म है उसको कंबाइनली जिसको हमने अभी बनाया था उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 80 और 120 mmHg पारे के इक्विवेलेंट जो प्रेशर है उसके बीच में बनती है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसमें आप देखो क्योंकि ये मिनिमम है तो ये डायस्टोलिक है, ये मैक्सिमम है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हुए ये जो बनती है इसमें आप देखें कि इसको ये 0.35 सेकंड्स तक ये सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है 0.35 सेकंड्स, लेकिन उसके बाद में जब ये प्रेशर नेगेटिव वेव के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो वो वैल्यूएशन जिसमें कि वेव फॉर्म डिग्रेड हो या ये कहें कि वेव फॉर्म का स्लोप के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है वो 0.54 सेकंड्स के लिए बनती है। ऐसा ही रिपीटेशन बार बार होता है, उसको हम अगर ईसीजी वेव फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम देखें कि ये एरोटिक वाल्व जैसे ही खुलता है, इसके बारे में हमने अभी देखा था कि जैसे ही खुलता है 0.35 सेकंड्स तक खुलता है और खुलने के साथ ही यह जो मिनिमम प्रेशर है वो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर के इक्विवेलेंट चला जाता है। उसके बाद में जब ये प्रेशर थोड़ा सा डाउन होता है जैसे ही उसके फ्लोइंग के कारण से, जैसे ही ये कहें कि वाल बंद होने के कारण से, तो यहाँ पे एक डायक्रोटिक नॉच बनता है और उस नॉच के साथ ही ये सिस्टोलिक प्रेशर एक प्रकार से रुक जाता है और उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट शुरू होता है और उसमें ये कहें कि एरोटिक वाल्व क्लोज हो जाता है। एरोटिक वाल्व क्लोज होने के साथ ही ये दूसरा पार्ट बन जाता है, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता है। इसके साइमल्टेनियसली अगर हम इसकी वेवफॉर्म को मेट्रिक और एरोटा वाल्व के रूप में लें तो उस समय भी ये दिखा सकते हैं इसको, और उसको जो ओपन करने के साथ ही जो वेव
वेवफॉर्म प्रेजेंटेशन है, उस वेवफॉर्म प्रेजेंटेशन को हम ईसीजी वेव के रूप में जब लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस ड्यूरेशन के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान या ये कहें एरोटा वाल्व ओपन होने से ठीक पहले, ये जो जहां पे ये पी वेव बन रही है वहां एरोटिक ये सिस्टोल फंक्शंस के रूप में जानते हैं, और प्री सिस्टोल भी ये एक प्रेशर, इसको ये कहें प्री सिस्टोल प्रेशर से उसको रिप्रेजेंट करते हुए क्यू वेव बनती है। लेकिन क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके आर तक जो प्री सिस्टोल है वह रिप्रेजेंट, लेकिन आर से जैसे ही ये एस वेव तक, ये जो वेव प्रेजेंटेशन या स्लोप डाउन स्लोप है वह एकदम से प्रेशर डाउन को रिप्रेजेंट करता है। यह एक इंपल्स है, यह इंपल्स डायस्टोलिक प्रेशर से सिस्टोलिक प्रेशर की तरफ बढ़ने की तरफ दिशा में एक कदम। इसको हम ये कहें कि इस दौरान, ये भी कह सकते हैं कि उसका जो ट्राइस्कोप्सिड वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है उन दोनों के एक थोड़ी देर के लिए जब वो एक साथ क्लोज रहते हैं उस समय के दौरान ये आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जिस समय सबका एक साथ प्रेशर बनता है और उसके कारण से पल्मोनरी वाल्व खुलता है और खुलने के बाद में वह एकदम से रिलैक्स आता है। तो अब ये जो प्रेशर, ये रिलैक्सेशन है, उस प्रेशर को आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन बनता है और ये जो प्रक्रिया है ये एरोटिक, या ये कहें कि इसके अंदर ये जो राइट आर्ट्रियम है उस राइट आर्ट्रियम के अंदर जो प्रिपरेशन है प्रेशर को रिलीज करने की, प्रेशर बनाने की, उस प्रेशर को बनाने की वहां पे ये फंक्शन चलता है। तो ये जो इंपल्सेस है इसके आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन और इस पार्ट में और इसके बाद में जो अगर कहीं इस वेव फॉर्म में डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो हार्ट के वेंट्रिकुलर फंक्शंस में परेशानी आती है और वह ज्यादा हार्मफुल होती है, जबकि इस पार्ट में अगर हो तो उस समय वेंट्रिकल की बता आट्रियम में होता है तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। इसको इसीलिए लेते हैं ये साइनो जो आट्रियम ऐसे नोड है, उस ऐसे नोड की जो प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में भी कहते हैं उसके द्वारा जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको, उनके फंक्शंस को जिसमें साइमल्टेनियसली या सिंक्रोनाइज्ड वे में कंट्रोल करता है जो डिफरेंट वाल्व्स को, वह वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो ड्यूरेशन एंड टाइमिंग है वह डिस्टर्ब हो जाता है और उस डिस्टरबेंस के कारण से हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट में डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। उनको हम इस ईसीजी वेवफॉर्म के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं और इस प्रकार से यह ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म, साथ में ये कहें कि ईसीजी वेवफॉर्म को क्लेरिफाई करने के लिए यूज में ले सकते हैं। और इसमें जो प्रेशर है वो अलग अलग, जैसे आर्टरियल के लिए ये कहें कि ये 30 mm एचजी पार के इक्विवेलेंट है, जबकि वेनस के लिए 5 से 15 mm है, और जो पल्मोनरी जो वेव है उसके अंदर केवल 25 mm के रूप में खुद प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म ईसीजी वेवफॉर्म को रीड आउट करने के लिए, साथ में इसके सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को मापने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनके वेव को एकदम उसके फंक्शंस को क्लेरिफाई करने के लिए यूज में ली जाती है, यही ब्लड प्रेशर वेवफॉर्म है। थैंक यू।